अंबाला छावनी में स्वास्थ्य और खेल मंत्री अनिल विज ने अंबाला सहारनपुर ननहेड़ा में रेलवे लाइन पर 21 करोड़ 48 लाख की लागत से बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए अनिल विज ने इनेलो और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। फतेहाबाद के रतिया शहर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक शख्स की दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस शख्स ने अपनी जिद पूरी नहीं होने पर अपनी प्रेमिका के साथ हैवानों की तरह सलूक किया। आरोपी शख्स और पीड़िता पहले से शादीशुदा हैं। शख्स अपनी प्रेमिका से शादी की जिद कर रहा था, लेकिन प्रेमिका ने उसे अपनी पत्नी को तलाक देने को कहा। इस बात पर शख्स इतना भड़क गया कि उसने दरिंदगी की इंतहा पार कर दी। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने युवक और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 11 सितंबर से 15 सितंबर तक बीजेपी महासंपर्क अभियान चला रही है। इस सिलसिले में जींद के बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अमरपाल राणा ने की। बैठक में महासंपर्क अभियान को लेकर विचार विमर्श किया गया। सरकार के 510 निजी बसों को फिर से बेड़े में शामिल करने के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रोडवेज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र धनखड़ के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया, जिसमें बताया गया कि प्रदेश सरकार रोडवेज का निजीकरण करने के लिए फिर से किलोमीटर स्कीम लागू कर रही है। किलोमीटर स्कीम के तहत हुए करोड़ों रुपयों के घोटाले की जाँच करने की बजाय सरकार रोडवेज को ताला लगाना चाहती है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, दल बदल की राजनीति जोर पकड़ती जा रही है। आज इनेलो के शासनकाल में शहरी विकास मंत्री रहे सुभाष गोयल ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। हांसी से इनेलो के पूर्व विधायक गोयल ने अभी अपनी राजनीतिक भविष्य के पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इतना जरूर कहा है कि वो राष्ट्रीय पार्टी में ही शामिल होंगे और आने वाले एक हफ्ते में अपने पत्ते भी खोलेंगे। इनेलो को अलविदा कहने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए इनेलो के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में जाने के उनके विकल्प खुले हैं और जल्द ही वो इस पर फैसला लेंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस के किसी दिग्गज नेता से बात हुई है। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को मुंह की बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को जागरूकता लाने के निर्देश दिए हैं। आज स्वास्थ्य विभाग ने ओरल हेल्थ जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इस जागरूकता रैली की हकीकत देखकर सब हैरान रह गए। रैली में मौजूद डॉक्टर्स अपनी अपनी गाड़ी में बैठे और गाड़ियों के आगे बैनर लगाकर रवाना हुए। महज गाड़ी के आगे बैनर लगाकर शहर में घूमने से लोगों में कितनी जागरूकता आएगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फतेहाबाद के रतिया शहर में व्यापार मंडल के अध्यक्ष के बेटे संजीव गर्ग पर लाठी डंडों और तलवार से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया। 8 सितंबर को हुए इस हमले की वारदात दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 5 लोगों पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अंबाला छावनी के खड़गा स्टेडियम में इंडियन आर्मी द्वारा आयोजित महिला सैन्य पुलिस भर्ती रैली के 5वें दिन आज हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की युवतियों ने अपना जौहर दिखाया। रैली में हिस्सा लेने आई युवतियों में भारतीय सेना में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा करने का जज्बा नजर आया। भर्ती रैली में हिस्सा लेने आई युवतियों में जोश देखने को मिला। सोनीपत के राई बालग्राम से 2 लड़कियों के गायब होने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस के मुताबिक लड़कियों के गायब होने की शिकायत पर गहनता से जांच की जा रही है। जांच अधिकारी कुलदीप ने बताया कि 2 लड़कियों के गायब होने की सूचना मिली है और जांच जारी है।